आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच और आज हम यहां पर पिच का मायना करने आए हैं। हम यहां पर देखते हैं कि पिच की क्या कंडीशन है। वाओ व्हाट अ पिच, ये तो ऑस्ट्रेलिया की पिचों से भी बेहतर है। यहां पर ग्रास आपको नजर आ रहा है, ये ग्रासी पिच है और यहां पर देखें, यहां पर स्विंग के लिए अलग-अलग खड्डे बनाए गए हैं। अब देखें यहां पर बॉल बाउंस करेगी, इस तरह जाएगी और बिल्कुल सीधा। इस पिच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पिच की गुड लाइन पहले से बनी हुई है। आप देखें इस पिच को, देखें गौर से देखें इस पिच को। रुके, इस पिच की एक और बड़ी खासियत मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जॉन्कर के लिए दो बड़े से खड्डे बनाए गए ताकि परफेक्ट जॉन्कर लग सके। ठीक है, अब मिलते हैं मैच के दौरान। ओ वाह, दोनों कप्तान भरपूर तैयारी के साथ फील्ड में पहुंच चुके हैं और इंडिया की कप्तान का रंग गर्मी की वजह से थोड़ा काला पड़ गया है। और ये देखें पूरा ग्राउंड सपोर्टर से भरा हुआ है। आज दिखाते हैं हम आपको इस ग्राउंड के नज़ारे। वाओ, लास्ट सपोर्टर कम फ्रॉम द वेस्ट इज फ्रॉम वाचिंग मैच। और ये वाला सपोर्टर देखने में इंडिया के कप्तान धोनी का भाई लगता है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भरपूर तैयारी के साथ आए, लगता है कि मैच जिताने आए हैं आज। अबे ये क्या, दोनों कप्तान तो पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक अंपायर का आता पता नहीं। अरे ये देखें अंपायर, अंपायर की क्या एंट्री, धमाकेदार एंट्री। वाओ व्हाट अ लुकिंग नाइस मैन, वेरी गुड। वाओ वाओ वेरी नाइस, व्हाट अ जंप यार। मुझे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई पागल सा कुत्ता लगा हुआ है। ओ वेरी गुड रनिंग। ये क्यों अंपायर ने आते ही टॉस के लिए फट्टी का इशारा दे दिया। फट्टी तो आ गई लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ये टॉस किस किस्म की है। ये तो गरीबों वाला टॉस करा रहे हैं और ये हवा में, और ये इंडिया जीत गया। तो इंडिया का कप्तान धोनी टॉस जीत चुके हैं और इन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया है। हमने तो टॉस जीत के बैटिंग करनी थी पहले। ये बेटा मेरी पिच है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। चलें जी बॉलिंग करें, शाबाश। ओ वाह, शाहीन इज ओपनिंग हियर। और मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया को बहुत ही गंदे तरीके से हराने और मारी मात्रा। इंडिया की कप्तान धोनी ने अपना पहला ओवर भुमरे को थमा दिया। और ये क्या, इतना मोटा ताजा भुमरा। और ये पहली बॉल पर छह छक्के मारे पहले ओवर। और ये देखें लंबा इंडिया के कप्तान धोनी उर्फ कालू, और ये बहुत ही गुस्से में कर दिया। अरे ये क्या, इंडिया के कप्तान दोबारा गुस्से में नजर आती है और ये बॉल फेंक, और बाबर ने पहली बॉल पर ही छक्का फेंक दिया। ये क्या, बाबर आजम ने आते ही छक्के पे छक्का लगा दिया और ये फिर छक्का, ये छक्का। यहाँ पे 20 ओवर खत्म होकर पाकिस्तान ने 200 का टारगेट दिया है। अभी ये क्या, पहला ओवर शाहीन को पहली बॉल पर ही बॉल करने, टेंशन ना ले तू। अपने पहले ओवर की पहली बॉल कराते हुए और जी क्या उम्र की धोल पर लग गई। ओ या दूसरी बॉल, और ये मिस। शाहीन अपनी भरपूर तैयारी के साथ आए, बोल्ड कर दिया। बाबर ने तो खुद ही ओवर कराने का फैसला और जी एज लग। और अरे ये अंपायर किधर चले गए। अरे ये क्या, अंपायर तो खाल में बैठकर दोनों का मजा लूट रहे हैं। क्या इंडिया की टीम तो सिंगल पे सिंगल लिए जा रही है, मुझे तो लगता है कि हारने के करीब है। ये क्या, एक और आउट हो गया। इंडिया के कप्तान धोनी और कालू खुद ही बैटिंग पर आ चुके हैं जहाँ पे मौजूद है और बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। और ये बैट चेंज करते हुए, और ये ऐसा लगता है कि ये मैच को जिताएंगे, ये जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। 25 रन है तो मुश्किल, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। अबे ये क्या, धोनी का एक ओवर में 25 रन बनाने का चैलेंज, नहीं लगता कि हारे थ्रू बनाने देंगे। और ये पहली बॉल कराते हुए और ये छक्को, वेरी लॉन्ग। और चौथी बॉल पे भी छक्का। आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पे देखते हैं 6 रन बना सकते हैं धोनी के नहीं, और ये बॉल और ये सिंगल। और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम जीत चुकी है और सामने बाबर को अपने कंधों पर उठा लिया और इधर धोनी साहब पहले गंदा मुंह था और गंदा बना लिया।